आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड को। तो चलिए देखते हैं कैसे पहचानेंगे कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है और कौन सा कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। यानी हमें तीन कंपाउंड को पहचानना है। ठीक है, एरोमेटिक वर्ड आया था एरोमा से। एरोमा का मतलब होता था गुड स्मेल। वैसा कंपाउंड जिसका स्मेल अच्छा होगा उसको हम लोग कहते थे एरोमेटिक। बाद में पता चला कि बहुत से ऐसे कंपाउंड है जिसका स्मेल अच्छा है फिर भी वह एरोमेटिक नहीं है, पर चूंकि नाम एरोमा से रखा चुका था इसलिए आज भी हम लोग इसको एरोमेटिक कहते हैं। पर अब आपको क्या समझना चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे स्टेबल कंपाउंड होगा, मोर स्टेबल कंपाउंड जो होगा वो होगा एरोमेटिक, और लीस्ट स्टेबल जो कंपाउंड होगा वो होगा एंटी एरोमेटिक। और एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के बीच में होगा, इन बिटवीन, उसको आप कहिएगा नॉन एरोमेटिक। तो आप कहिएगा सर हम एरोमेटिक को कैसे पहचानेंगे, ध्यान से देखिएगा। एरोमेटिक में कंपाउंड साइक्लिक होंगे, एंटी एरोमेटिक में भी कंपाउंड साइक्लिक होंगे, यानी तीनों का तीनों साइक्लिक सिस्टम में ही मिलेगा। ठीक, पहला कॉन्सेप्ट ये हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट, कंपाउंड शुड बी प्लेनर। किसमें? एरोमेटिक में। एंटी एरोमेटिक में भी कंपाउंड प्लेनर होंगे और यहां पर कंपाउंड नॉन प्लेनर भी हो सकते हैं। किसमें? नॉन एरोमेटिक में। वर्ड क्या यूज किए? नॉन प्लेनर। अब यहां पर रिंग में जितने भी एटम है, रिंग में जितने एटम है शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज। यहां भी रिंग में जितने एटम होंगे उनको क्या होना चाहिए? sp2 हाइब्रिडाइज। और यहां देखेंगे वन और टू पोजीशन, एक या दो जगह पर sp3 या अदर हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा। अदर हाइब्रिडाइजेशन, रेस्ट ऑल एटम्स एटम्स आर sp2। यानी वन और टू पोजिशन sp3 है और अदर हाइब्रिडाइजेशन, यानी sp3 होगा या अदर हाइब्रिडाइजेशन होगा, रेस्ट ऑल एटम्स आर sp2। कोई दिक्कत? अब यहां कंजुगेशन होंगे, पूरे रिंग में कंजुगेशन दिखेंगे, यहां भी पूरे रिंग में कंजुगेशन दिखेंगे, और इस केस में कंजुगेशन ब्रेक होगा। जरूरी नहीं कि हर एक केस में हो, पर मोस्ट ऑफ केस में आपको कंजुगेशन ब्रेक होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, अब क्या है सबसे इंपॉर्टेंट? यहां हक्कल रूल। पूछा सर ये हक्कल रूल क्या है, तो आप कहिएगा 4n+2π इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जहां n इक्वल टू 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड मेन डिफरेंस यही है। यहां तक एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक सेम है, यहां हक्कल रूल 4n+2π इलेक्ट्रॉन यहां पालन होगा और वे करेगा इसको, पर यहां 4n+2π इलेक्ट्रॉन सिस्टम को नहीं पालन करेगा, ये नहीं लगेगा। यहां क्या लगता है? 4n π इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहां पर कोई सर्टेन रूल नहीं है, यहां पर कोई सर्टेन रूल नहीं है। क्लियर? यानी क्या दिख रहा है? 4n+2π इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जहां पर n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 होना चाहिए, यहां 4n π इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, यहां कोई सर्टेन रूल नहीं है। पहले एक एक एग्जांपल देखें फिर इसका डिफरेंसेस देखें। एक एक एग्जांपल हम लेते हैं। आप सबसे सिंपल मॉलिक्यूल्स लीजिए, बेंजीन। क्या दिख रहा है? कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। कहिएगा यस सर। यहां कंपाउंड क्या है? साइक्लिक। कहिएगा यस सर। यहां भी कंपाउंड क्या दिख रहा है? साइक्लिक। क्लियर? कंपाउंड साइक्लिक है, साइक्लिक है, साइक्लिक है। क्या दिख रहा है? हर एक एटम जब भी डबल बॉन्ड को टच करेगा
तो हर एक एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 sp2 sp2। यहां भी हर एक एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 sp2 sp2। और sp2 होने के चलते ये पूरा का पूरा रिंग प्लेनर है, ये भी रिंग प्लेनर है। पर यहां देखिए ये sp2 है, ये sp2 है, और ये क्या हो गया sp3। इस sp3 के चलते हम कह सकते हैं ये नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल्स है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। क्लियर। अब आप देखिए कंजुगेशन क्या दिख रहा है, पाई सिग्मा पाई कंजुगेशन दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है पाई सिग्मा पाई कंजुगेशन दिख रहा है। यहां आपको देखो पाई तो दिख रहा है, सिग्मा तो दिख रहा है, पर यहां पर कंजुगेशन ब्रेक होता हुआ नजर आ रहा है। आगे ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है ना लोन पेयर है, यही बात मैंने लिखा था कि कंजुगेशन क्या होगा, ब्रेक होता हुआ नजर आएगा। अब देखिए फोर एन प्लस टू पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है, कितने पाई बॉन्ड हैं, तो आप कहेगा सर तीन, और तीन पाई बॉन्ड का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन, सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। फोर एन प्लस टू इक्वल टू सिक्स, फोर एन बराबर फोर, एन इक्वल टू वन। यहां कितने पाई बॉन्ड हैं, दो, तो फोर एन प्लस पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कितने पाई बॉन्ड हो जाएंगे, चार। एन क्या हो गया, फ्रैक्शन में। यानी आप आसान सा तरीका समझो, ये एरोमेटिक नहीं है, है क्या, एंटी एरोमेटिक। क्यों, तो भाई हक्कल रूल यहां पर नहीं लगा, क्लियर है ना। आप इससे कंक्लूजन निकालो, क्या देखते के साथ आपको साइक्लिक तो दिख जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन दिख जाएगा, प्लेनर दिख जाएगा, पाई सिग्मा पाई कंजुगेशन दिख जाएगा। तो आप सीधे देखो, अगर ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है तो एरोमेटिक होगा, और इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है तो एंटी एरोमेटिक होगा। क्लियर। और यहां ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, जहां sp3 दिख गया, कंजुगेशन ब्रेक दिख गया, नॉन क्लीनर दिख गया, आप सीधे समझ जाओ क्या है। अब हम लोग को क्या और समझना है, पहले एक तो एग्जाम्पल हम लोग देख लिए, इसका मतलब साफ साफ दिखा कि अगर स्टेबिलिटी की बात होगी तो सबसे स्टेबल कौन सा होगा, एरोमेटिक, उसके बाद कौन होगा, नॉन एरोमेटिक, और सबसे पीछे स्टेबिलिटी में कौन खड़ा होगा, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, यहां हम लोग को क्या खोजना है, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, यहां क्या खोजना है, इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। क्लियर है, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड। अगर ये तो स्टेबिलिटी की बात हुई, अगर रिएक्टिविटी की बात होती तो रिएक्टिविटी जस्ट उल्टा होता है स्टेबिलिटी का। रिएक्टिविटी अगर हम लोग को देखना रहता तो एरोमेटिक से ज्यादा रिएक्टिव होगी नॉन एरोमेटिक, और नॉन एरोमेटिक से बहुत ज्यादा रिएक्टिव होंगे एंटी एरोमेटिक। ठीक है, पूछा सर हम कैसे समझें कि एंटी एरोमेटिक ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। अगर हम लोग MOT बनाते, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते पाई इलेक्ट्रॉन का, तो हमें पता चलता है कि एरोमेटिक कंपाउंड डायमैग्नेटिक है, यानी इसके इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, और जब इसका बनाते तो पता चलता ये पारामैग्नेटिक हैं, पारामैग्नेटिक हैं, इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, और बॉन्डिंग के पीछे हाथ किसका होता है, तो हर अनपेयर चाहता है पेयर्ड होने के लिए। ऐसे भी हम लोग बता सकते थे कि इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, अभी इसमें बॉन्डिंग टेंडेंसी बचा हुआ है, इसलिए एंटी एरोमेटिक ज्यादा रिएक्टिव होगा, पर ये लीस्ट स्टेबल कंपाउंड है। ठीक है, ये भी इस पर भी मैं डिस्कस करूंगा आगे। अभी हम लोग कोशिश करें कि एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक को आसानी से कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उस पर काम करना है।
अब हम लोग एक एक एग्जाम्पल करते चलेंगे और चेक करते चलेंगे कौन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता, अच्छा ये बताइए ये कंपाउंड क्या है, तो आप तुरंत देखते साइक्लिक है, ठीक है, प्लेनर है, ठीक है, हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, एकदम सही बात है, पाई सिग्मा पाई है, सही बात है, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है 3, 2, 5, हक्कर रूल को खूब बढ़िया ढंग से सेटिस्फाई करेगा। हक्कर रूल कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन, अगर ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गया ये कटेगा, 4n+2 = 10, 4n = 8, n = 2, क्लियर, तो क्या कहलाएंगे एरोमेटिक। अगर इसी तरह से कंपाउंड आपसे पूछ दिया जाता ये नेफ्थलीन है, आगे जो मैं बना रहा हूं वो एंथ्रासीन है, ये क्या है, तो आपको दिख रहा है साइक्लिक है, प्लेनर है, sp2 है, पाई सिग्मा पाई कंजुगेशन है, आप गिनिए 3, 2, 5, 2, 7 ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, इसलिए ये एरोमेटिक है। क्लियर, अगर कंपाउंड में ऐसा आ जाता आपके पास साइक्लिक है, पॉजिटिव है और यहां हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहता, तो आप क्या कहते, दो पाई बॉन्ड होके आप एंटी एरोमेटिक नहीं कहते, कहते क्या आप नॉन एरोमेटिक, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन क्या हो चुका है sp3 हो चुका है, इसको आप क्या कहते हैं नॉन एरोमेटिक। क्लियर, समझ में आ रही बात। अब एक बात और समझना है, वो क्या, जरा देखिए, अगर आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH और OH इस तरह से है, अगर मैं पूछूं कि इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो आप सोचिएगा कि सर बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर, बॉन्ड पेयर कितने 2, लॉन पेयर कितने 2, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए sp3, पर हकीकत में ये सही नहीं है। पूछा क्यों नहीं सही है, यहां 2 लॉन पेयर में एक लॉन पेयर रेजोनेंस में भाग ले रहा है, कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, जरा देखो 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1 टहलते हुए 3 पर चला जाएगा, 3 टहलते हुए कहां जाएगा 1 पर, जो छोड़ेगा उसको गम होगा, जिसके पास जाएगा उसको क्या होगा खुशी होगा, यानी जो लॉन पेयर रेजोनेंस में भाग लेगा वो हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लेगा। जरा ध्यान दीजिएगा, यहां 2 लॉन पेयर हैं, तो एक लॉन पेयर दिस लॉन पेयर यूज्ड इन रेजोनेंस प्रोसेस, सो इट मस्ट प्रेजेंटिंग पी एटॉमिक ऑर्बिटल, this lone pair presenting or used in hybridization process, किस प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहा है हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में, सो इट प्रेजेंटिंग sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, यानी एक लॉन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में है और एक लॉन पेयर अनहाइब्रिडाइज्ड पी एटॉमिक ऑर्बिटल में है। आप जान रहे हैं कि इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, जरा पिक्चर हम लोग बना के देखें, ये sp2 है ट्रायगोनल प्लेनर, और हर एक कार्बन के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है जो पाई बॉन्ड बनाने के लिए तैयार है। ये कैसा बॉन्ड बना रहा है, पाई बॉन्ड बना रहा है, मान लो ये पीजेड एटॉमिक ऑर्बिटल हुआ, तो यहां भी ऑक्सीजन के पास एक पीजेड के पास क्या होगा लॉन पेयर। यहां देखो क्या हुआ, 1, 2, 3 रेजोनेंस के थ्रू ऑक्सीजन और कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड बना, पाई बॉन्ड बना, इसका मतलब जब यहां पर
दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल पैरेलल होंगे तभी तो पाई बॉन्ड बन सकता है। तो ये बात आपको दिमाग में बैठाना होगा, जब भी लॉन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करे तो वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्लियर है? कोई डाउट है यहां पर तो पूछिए। ये लॉन पेयर अब रेजोनेंस के थ्रू यहां क्या बना लेगा? पाई बॉन्ड बना लेगा। लॉन पेयर टहलते हुए यहां पर आ जाएगा। डाउट कहीं पर? तो जब भी इस तरह का केस हो कि दो लॉन पेयर हो, एक रेजोनेंस में भाग ले रहा हो, तो आप समझिएगा कि जो रेजोनेंस में भाग ले रहा है उसके लॉन पेयर सिंपल पी एटॉमिक ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे और दूसरा लॉन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में पार्टिसिपेट करेगा, उसका लॉन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। क्लियर? अब इसका यूज कैसे करते हैं? और एक बात और दिमाग में रखिए, ये लॉन पेयर क्या हो गया? कुछ देर के बाद पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। तो दिस लॉन पेयर बिहेव्स लाइक पाई बॉन्ड। ये लॉन पेयर किसके जैसा काउंट किया जाएगा? पाई बॉन्ड जैसा। क्यों? इसका नेचर किसके जैसा हो गया? पाई बॉन्ड जैसा हो गया। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं, नोट कर लीजिए आराम से। अगर आपसे पूछा जाता ये ऑक्सीजन है, यहां देखिए दो लॉन पेयर है, सेम बात, एक लॉन पेयर रेजोनेंस में भाग लेगा, दिस लॉन पेयर प्रेजेंट इन पी एटॉमिक ऑर्बिटल, पूछेगा क्यों? इट यूज्ड इन रेजोनेंस प्रोसेस, एकदम बिल्कुल सही है। दिस बिहेव्स लाइक पाई बॉन्ड, कहेगा बिल्कुल सही है। डाउट है कहीं पर? और ये लॉन पेयर किसमें पार्टिसिपेट करेगा? sp2। इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होगा? sp2। क्लियर? अब टोटल पाई बॉन्ड काउंट करें, कितने पाई बॉन्ड हो गए? 3 पाई बॉन्ड, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है। हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, रिंग में जितने एटम है हर एक के हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, शुड बी प्लेनर, ईच एटम शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज, सब कुछ फुलफिल्ड हो रहा है। हक्कल साहब भी संतुष्ट हैं, 3 पाई बॉन्ड है। तो इस कंपाउंड को क्या कहेंगे हम लोग? एरोमेटिक। क्या कहेंगे हम लोग? एरोमेटिक। क्लियर? नोट करें। अब हम लोग स्टार्ट होते हैं। कैसे स्टार्ट होते हैं जरा देखिए। इस तरह से कंपाउंड दिया रहे, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। देखते के साथ आप क्या कह दोगे? नॉन एरोमेटिक। क्लियर? चलिए ठीक है। अब इस कंपाउंड के पास प्लस चार्ज दे दे, क्या दिख रहा है? कंपाउंड साइक्लिक, हर एक एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, हर एक का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है। पाई बॉन्ड कितने हैं? ऑड नंबर 1 है। तुरंत देख के क्या बता देंगे? एरोमेटिक है। क्लियर? अगर यहीं पर निगेटिव चार्ज हो जाए, निगेटिव में वही कहानी होगा। जरा देखो, ये जो लॉन पेयर है किसमें पार्टिसिपेट कर रहा है? रेजोनेंस में। ये लॉन पेयर इट प्रेजेंट इन पी एटॉमिक ऑर्बिटल, प्रेजेंट इन पी एटॉमिक ऑर्बिटल, इट बिहेव्स लाइक पाई बॉन्ड। और ये जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या हो जाएगा? sp2 हो जाएगा। क्लियर? तो नेगेटिव है तो भी घबराना नहीं है। नेगेटिव का मतलब ये किसके जैसा बिहेव कर रहा है? पाई बॉन्ड। कितने पाई बॉन्ड हो गए? 2 पाई बॉन्ड हो गए। क्या फुलफिल कर रहा है? तो एंटी एरोमेटिक के कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अगर ऑड नंबर रहता तो क्या कहते? एरोमेटिक। इवन नंबर है तो क्या कहेंगे? एंटी एरोमेटिक। क्लियर? अगर कोई कहे अच्छा ये बताओ नाइट्रोजन हो जाए तब? सेम कहानी,
इसकी हाइब्रिडाइजेशन एसपी टू, इसकी हाइब्रिडाइजेशन एसपी टू, इसकी हाइब्रिडाइजेशन एसपी टू, दो पाई बॉन्ड है, क्या कह दोगे? एंटी एरोमेटिक। क्लियर? अगर आपसे कह देता अच्छा ऑक्सीजन है तो आप क्या कहोगे? ओके, फिर सेम कहानी, ये कितने पाई बॉन्ड? दो, एंटी एरोमेटिक। बोला ठीक है, तो आप ये बताइए अगर इस तरह से हो जाए तो थोड़ा ध्यान देना, ये आउटसाइड डबल बॉन्ड है, इसको आप पोलराइज करके लिख सकती हो। रेजोनेंस में पहला स्ट्रक्चर क्या होगा? जिस एटम की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा होगा वो निगेटिव, जिसका कम होगा वो पॉजिटिव। इसको हम लोग पोलराइज करके लिखे। जब हम लोग पोलराइज करके लिख रहे हैं तो आपको क्या दिख रहा है? ये रिंग एरोमेटिक, यानी इस कंपाउंड को आपको क्या कहना चाहिए? एरोमेटिक। ये किस रूप में एग्जिस्ट करना चाहेगा? इस फॉर्म में। क्यों? कि एरोमेटिक का मतलब होता क्या है? मोर स्टेबल कंपाउंड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसलिए किस रूप में रहना चाहेगा? इस फॉर्म में रहना चाहेगा। ठीक है, अगर कोई पूछा अच्छा सर ये बताइए बोरॉन डाल दे तो, सोचना जरा, बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन होगा एसपी टू, इट कंटेन वन वैकेंट पी एटॉमिक ऑर्बिटल, इसके पास भी अभी एक वैकेंट पी एटॉमिक ऑर्बिटल है, यानी कार्बन प्लस और बोरॉन सिमिलर हैं, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन एसपी टू, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन एसपी टू, इसके पास भी एक वैकेंट पी एटॉमिक ऑर्बिटल है और इसके पास भी एक वैकेंट पी एटॉमिक ऑर्बिटल है। एटॉमिक नंबर 6, 5 इलेक्ट्रॉन, एक गम है, एक इलेक्ट्रॉन कम है, कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 5। इसके पास भी इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 5। ये भी 3 बॉन्ड बना रहा था, यहां पर ये भी कितने बॉन्ड बना रहे हैं? 3। इसलिए आप इसको कह दीजिएगा एरोमेटिक। आप कहेगा नहीं सर थोड़ा डिटेल में बताइए, समझने में आसानी होगी। बोले ठीक है, देखो थोड़ा डिटेल में देख लो, कार्बन है, कार्बन है, डबल बॉन्ड है, इसके पास H है, H है, H है, ठीक। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? एसपी टू। इसके पास है क्या? एक वैकेंट पी एटॉमिक ऑर्बिटल। बोले सही बात है, यहां भी यही बात दिख रहा है। जब बोरोन लगाएंगे हम लोग तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। इसके पास क्या है? एक वैकेंट p एटॉमिक ऑर्बिटल है। अगर इसको हम लोग ऐसे लिखते, अभी पाई बॉन्ड आपको ये दिख रहा है और रेजोनेंस के थ्रू ये पाई बॉन्ड इस तरह से मूव करेगा, ठीक है, यहां भी यही शर्त है। यहां भी रेजोनेंस इसी तरह से मूव करेगा, दोनों तो एक ही जैसा दिख रहा है। आसानी क्या होता है कि आपको देखने में पॉजिटिव चार्ज है तो 1, 2, 3 करके आसानी होता है। यहां पॉजिटिव चार्ज नहीं है, स्प्लिट होके चार्ज दिखेगा, कोई अंतर तो है नहीं। क्लियर है? अगर हम इसका रेजोनेंस बनाना चाहें तो क्या बनता? आराम से बनता, इसको खुशी होता है, इसको गम होता, करके देखो। डाउट है कहीं पर? नोट किया जाए। कहीं दिक्कत हो तो बोलने का है। अगर आपसे पूछे ये क्या है? दो पाई बॉन्ड एंटी एरोमेटिक। आपसे पूछे अच्छा ये बताओ, ये दोनों प्लस कर देता हूं, क्या है? सबका हाइब्रिडाइजेशन एसपी टू, एक पाई बॉन्ड है, इसलिए क्या कहलाएगा? एरोमेटिक। हर एक का हाइब्रिडाइजेशन एसपी टू है, कोई कह दे ऐसा कर देता हूं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, नेगेटिव का मतलब यहां पाई बॉन्ड है, हाइब्रिडाइजेशन एसपी टू है, यहां पाई बॉन्ड है, हाइब्रिडाइजेशन एसपी टू है, इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, इसलिए कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है। क्लियर? देखते चलें, अगर मुझे ऐसे मिल जाए दो नेगेटिव
इस कंपाउंड को आप ऐसे भी लिख सकते थे, एक दो तीन पाई बॉन्ड हो गए, हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया, इसलिए इस कंपाउंड को आप क्या कहेंगे, एरोमेटिक। इस कंपाउंड को क्या कहेंगे आप, एरोमेटिक। क्लियर? अगर आपके सामने यह हो जाए, दोनों साइड बोरोन आ जाए, क्या कहोगे, कंपाउंड शुड बी एरोमेटिक, क्योंकि हर एक का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, हर एक का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, सब में रेजोनेंस हो सकते हैं। अगर आपके सामने इस तरह से आ जाए, तो आप क्या कहोगे, कंपाउंड शुड बी एरोमेटिक। कंपाउंड को आप क्या कहोगे, कंपाउंड शुड बी एरोमेटिक। अगर आपके सामने इस तरह से आ जाए, क्या कहोगे, कंपाउंड शुड बी एरोमेटिक। क्यों, बताना पड़ेगा, पाई बॉन्ड कितने हो गए भाई, 3 पाई बॉन्ड, दो लॉन पेयर में एक ही लॉन पेयर भाग लेगा। अगर इस तरह से कंपाउंड आ गए, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3, पाई पाई, दो पाई है हाइब्रिडाइजेशन sp3 होने के चलते, ये क्या कहलाएंगे, नॉन एरोमेटिक। अगर इस तरह से आ गया कंपाउंड, क्या करना है भाई, इसको तोड़िए, पोलराइज कीजिए, पोलराइज कीजिएगा तो आपको क्या दिखेगा, ये पूरा का पूरा रिंग एरोमेटिक दिखेगा, ये कंपाउंड क्या कहलाएगा, एरोमेटिक। ये मॉलिक्यूल किस रूप में एग्जिस्ट करना चाहेगा, इस रूप में, इसका ये क्या है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। कोई दिक्कत? अगर इस तरह से आ गया कंपाउंड आपके सामने, तो क्या कहोगे, ये कंपाउंड शुड बी एंटी एरोमेटिक। देखते जाओ, कहीं डाउट हो तो बताना। क्लियर? नोट करें। कंपाउंड इस तरह से आ जाए, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, कंपाउंड को क्या कहोगे, नॉन एरोमेटिक। प्लस चार्ज आ जाए, क्या कहोगे, एंटी एरोमेटिक। देखो, अपने से चेक करते चलो, कहीं डाउट हो तो बताते जाना। अगर ऑक्सीजन आ गया, कितने पाई बॉन्ड होंगे, 3 पाई बॉन्ड होंगे, कंपाउंड क्या कहलाएगा, एरोमेटिक। ध्यान से देखते चलो, कहीं डाउट हो तो बोलना। सल्फर हो गए, कंपाउंड क्या कहलाएगा, एरोमेटिक। थायोफीन, फ्यूरेन, पायरोल, क्या कहलाएंगे, कंपाउंड एरोमेटिक, पायरोल है। अगर कंपाउंड इस तरह से दे दे, पूछ दे ये क्या कहलाएगा, एंटी एरोमेटिक। इसको अगर पोलराइज करके लिखे, ये टूटना ही नहीं चाहेगा इस रूप में, क्योंकि ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। दिक्कत? कोई पूछे आपसे, ये कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक, प्रीडीन है, एरोमेटिक। कैसे एरोमेटिक है, तो देखो 3 पाई बॉन्ड हो जाएंगे, ये लॉन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये लॉन पेयर कहां प्रेजेंट होगा, sp2 ऑर्बिटल में। इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होगा, sp2, और ये लॉन पेयर भी प्रेजेंट होगा किसमें, sp2 एटॉमिक ऑर्बिटल में। कोई दिक्कत? अगर आपसे पूछे इस तरह से, ये क्या है, तुरंत कह दोगे एरोमेटिक। कितने पाई बॉन्ड हो गए, 3 पाई बॉन्ड होंगे, क्या कहोगे, एरोमेटिक। अगर कोई पूछे ये क्या है, क्या कहोगे, एरोमेटिक। चेक करो, आराम से चेक करते चलो, कहीं दिक्कत हो तो बताना। कोई पूछे ये क्या है, एक दो तीन चार, कितने हो गए, एंटी एरोमेटिक। क्या कहलाएंगे, एंटी एरोमेटिक। कोई पूछे आपसे इस तरह से,
अच्छा बताओ ये क्या है, तो कहोगे इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3, क्या कहलाएगा? नॉन एरोमेटिक। क्या कहलाएगा? नॉन एरोमेटिक। नोट करते चलो, अगर इस तरह से पूछा ये क्या है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3, क्या कहलाएगा? नॉन एरोमेटिक। कुछ अच्छा ये बताओ, आप क्या कहिएगा? इसको पोलराइज कीजिए और देखिए क्या दिखता है, क्या दिखेगा? माइनस प्लस, इसको क्या कहोगे? एरोमेटिक। ये दिक्कत हो रही है क्या? अगर यहाँ प्लस हो जाए यहाँ माइनस हो जाए, पूछे ये क्या है, तो भैया देखो ना 3 pi bond है, क्या कह दोगे? एरोमेटिक। क्या कह दोगे? एरोमेटिक। कहीं दिक्कत हो रहा है? 7 carbon आ जाए, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3। क्या कहोगे? नॉन एरोमेटिक। इसको क्या कहोगे? नॉन एरोमेटिक। अगर इस पर प्लस चार्ज आ जाए, इसको क्या कहोगे? 3 pi bond हो गए, हर एक का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया, एरोमेटिक। अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए, इसको क्या कहोगे? एंटी एरोमेटिक। इसको क्या कहोगे? एंटी एरोमेटिक। क्या दिक्कत हो तो बताएंगे। कंफ्यूजन है कहीं पर? अगर इस तरह से ऑक्सीजन आ जाए यहां पर, और आपसे पूछा जाए ये क्या है, इसको क्या कहोगे? एंटी एरोमेटिक। नाइट्रोजन आ जाता तब भी क्या कहते हैं? एंटी एरोमेटिक। 8 carbon का देखा जाए, ठीक है, नोट कीजिए फटाफट, देखिए 8 carbon। अगर आपके सामने ये आ जाए, थोड़ा यहाँ समझना पड़ेगा आपको, ये तो मैं बना तो दिया पर हकीकत में इसका जो शेप होता है टब शेप का होता है, इस तरह से। इसको हम लोग नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो आपको ये कंडीशन दिख रहा होगा कि एंटी एरोमेटिक का है, पर हकीकत में इस कंपाउंड को हम लोग क्या कहेंगे? नॉन एरोमेटिक। क्लियर, इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी जो केस होंगे, अगर मान लीजिए इस तरह से आ गए चार्ज, प्लस 6 pi bond, एरोमेटिक, दस पाई बॉन्ड हो जाएंगे एरोमेटिक। कई दिक्कत है, एक बात और समझो, इसको हटा लो। ये हाइड्रोजन है, देखने में तो लग रहा है कि पूरा एरोमेटिक का कंडीशन है, पर इस दोनों हाइड्रोजन के बीच रिपल्सिव फोर्स लगने के चलते, तनाव होने के चलते ये मॉलिक्यूल्स नॉन प्लेनर हो जाता है, और नॉन प्लेनर होने के चलते इसे एरोमेटिक ना कह के हम लोग नॉन एरोमेटिक कहते हैं। तो इसको एरोमेटिक बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों हाइड्रोजन तनाव दे रहा है तो इसको क्या करेंगे हम लोग, जरा देखिए। दोनों हाइड्रोजन को हटाकर इसको आप सावधानी से देखना, एक CH2 लगा दिए। अब ये जो पूरा रिंग है, ये पूरा का पूरा रिंग क्या कहलाएगा आपको? एरोमेटिक। इसके जगह पर आप ऑक्सीजन भी लगा सकते थे, इसके जगह पर हम लोग नाइट्रोजन भी लगा सकते थे, ये सभी क्या कहलाएंगे? एरोमेटिक।
ऑल आर एरोमेटिक। इसको लिखते चले, नोट करते चले। मैं क्या करूँगा, एक पीडीएफ नोट डाल देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आसान होगा। कंडीशन को थोड़ा ध्यान में शुरू में देखिए और सब पर एक बार चेक करते जाइए। बहुत सा मॉलिक्यूल्स मैं देते जाऊंगा, ठीक है? पहले नोट कर लीजिए।